सोचा है कि डॉक्टरों को मेडिकल फील्ड में मौजूद 50,000 दवाओं के नाम कैसे याद रहते हैं और आपकी जांच करते वक्त वो ऐसी दवाओं को दे रहे हैं जिसका आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं, क्योंकि अब प्रिस्क्रिप्शन पैड सॉफ्टवेयर है ना। ये हैं डॉक्टर अनिल विज, जिन्हें जल्द ही भारत ज्योति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। प्रोफेशन से तो डॉक्टर विज हैं एक फिजिशियन, मगर उन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जिसका नाम है प्रिस्क्रिप्शन पैड। ये ड्रग इंटरेक्शन या बहुत सारी मेडिसिन जो आपस में नहीं देनी चाहिए, और इस तरह का है कि कुछ दवाइयाँ प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं या बच्चों में नहीं देनी चाहिए, तो उनके साइड इफेक्ट्स जो कि एक आदमी के लिए याद रखना बहुत मुश्किल है, तो उस तरह का कोई प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि एक सेफ प्रिस्क्रिप्शन या पेशेंट को दिया जा सके, तो तब से मेरे को ये आइडिया आया। दरअसल एलोपैथिक सिस्टम में अब तक तकरीबन 1,10,000 दवाइयां दर्ज हैं, और जाहिर सी बात है कि डॉक्टरों के लिए भी एक वक्त पर इन सभी दवाओं और उनके नेचर के बारे में याद रख पाना मुमकिन नहीं, और अक्सर डॉक्टर्स मरीजों को वो दवाएं प्रिस्क्राइब यानी देते हैं जो आपस में ही रिएक्ट कर जाती हैं और साइड इफेक्ट्स पैदा करती हैं। कई बार ये रिएक्शंस इतने खतरनाक हो सकते हैं कि जान तक ले सकते हैं। भारतवर्ष में दवाइयां हैं उनके कंप्लीट हमने उनकी इंफॉर्मेशन डाली हुई है, फिर उसको डिवाइड करके कि उनके क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, किन कंडीशन में देनी चाहिए, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप प्रेस्क्रिप्शन लिख ही नहीं सकते। करीब 6-7 साल लग गए इसको सारी ये डेटा एंटर करने में। ये प्रेस्क्रिप्शन पैड बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। मरीज की कंडीशन, दवाओं के नाम इस सॉफ्टवेयर में फीड कर पता लगाया जा सकता है कि कहीं ये दवाइयाँ रिएक्ट तो नहीं कर रही। अगर रिएक्ट करती हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज आ जाता है जो दवाइयों के कंपाउंड, रिएक्शन और इनसे होने वाले नुकसान का पूरा पूरा ब्यौरा देता है। इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी एप्लीकेशन तो गवर्नमेंट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में हो सकती है, क्योंकि जहां MBBS डॉक्टर होते हैं और फैसिलिटीज भी नहीं है सब टेस्ट कराने की, तो कम से कम हम पेशेंट को एक तरह से सेफ प्रिस्क्रिप्शन तो दे सकते हैं विद मिनिमम ऑफ नॉलेज डॉक्टर की, कि अगर उसमें थ्रू लिखेगा तो उसके ड्रग इंटरेक्शन प्रेगनेंसी में या बच्चों में सेफ है और लिवर इंसफिशिएंसी या गुर्दे खराब हैं उनमें सेफ है, तो कम से कम ड्रग की सेफ्टी तो 100% एंश्योर हो सकती है, तो वहाँ इसका बहुत अच्छा यूज हो सकता है। प्रिस्क्रिप्शन पैड सॉफ्टवेयर के जरिए अब डॉक्टर्स बहुत आसानी से बेफिक्र होकर मरीजों को दवाएं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सोच कर रहे हैं, परेशानी है तो फटाफट मेल करिए totaltandrusti@cnetwork.com पर।